पैसे में बड़ी ताकत होती है, होती है। अगर जेब में पैसा हो तो फिर आदमी कुछ भी खरीद सकता है, कहीं भी जा सकता है, आदमी को आजादी मिल जाती है। पैसा बड़ी ताकत देता है। नमस्कार, अभिवादन आपका, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। पैसे में बड़ी ताकत होती है, बात सही है। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, ये बात आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐसे बांधी कि पंजाब के मोगा में समा बंध गई। केजरीवाल पंजाब के चुनावी दौरे पर हैं, उन्होंने हुंकार भरी और महिला सशक्तिकरण की बात की। पैसे से जोड़कर उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात की, कई बड़े ऐलान भी किए। अब तो ये तय है कि सत्ता के गलियारों में हलचल जरूर होगी। मंथन में आज बात होगी केजरीवाल के तुरुप के इक्के की। केजरीवाल ने आज पंजाब में बड़े बड़े ऐलान कर डाले और सबसे ज्यादा तो बड़ा ऐलान ये उनका तुरुप का इक्का माना जा रहा है। उन्होंने पंजाब की आधी आबादी को आम आदमी की पार्टी की तरफ करने के लिए उन्होंने एक तरीके से उनको साधा आम आदमी पार्टी को, और जो कुछ ये मुद्दा अभी तक कांग्रेस लगातार आधी आबादी को लेकर टारगेट कर रही थी, लेकिन केजरीवाल अब इसकी तरफ मुड़े हैं और उन्होंने ऐलान किए। दो तीन दिनों से वो लगातार उत्तराखंड में पिछले दिनों से वो ऐलान कर रहे हैं और उत्तराखंड की राजनीति को उन्होंने गर्मा दिया है, उत्तर प्रदेश की राजनीति को गर्मा दिया है, और अब वो पंजाब जो कि आम आदमी पार्टी का मुख्य टारगेट है, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, उत्तर प्रदेश, तो ये मुख्य रूप से। और पंजाब में तो पार्टी पिछली बार भी सत्ता के बहुत करीब पहुंच गई थी। इस बार केजरीवाल और उनकी पार्टी को पूरा भरोसा है कि सत्ता इस बार आम आदमी पार्टी के हाथ में होगी, इसीलिए खुद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल इसे धार देने में कोई कसर नहीं छोड़ पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई अब महिलाओं को हम पंजाब में बड़ा ऐलान किया, एक मास्टर स्ट्रोक कहा, इसे तुरुप का पत्ता कह सकते हैं। मास्टर स्ट्रोक तो बड़ी सरल बात है, आजकल खूब मीडिया में चलन है मास्टर स्ट्रोक, तो मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं, लेकिन हम लोग जरा पुराने जमाने के पत्रकार हैं तो तुरुप का इक्का या शतरंजी चाल कह सकते हैं इसको, क्योंकि शतरंज का गेम जो होता है ना बड़ा दिमाग से खेला जाता है और केजरीवाल का कोई जोड़ नहीं है पॉलिटिक्स में। और जो जन सरोकार वाली पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो इस समय अगर मैं इसको देखूंगा या मेरे शब्दों में कहा जाए तो केजरीवाल जन सरोकारी पॉलिटिक्स में बहुत आगे हैं और उन्होंने दिल्ली में बार बार सरकार बनाकर और वहाँ के स्कूल, अस्पताल और तमाम व्यवस्थाएं ठीक करके साबित भी कर दिया है कि केवल ये जवानी जमा खर्च नहीं। केजरीवाल ने पंजाब की महिलाओं को कहा कि उन्हें वो पॉकेट मनी देंगे, अगर उनकी सरकार आई तो पॉकेट मनी देंगे 1,000 रुपया, और अगर परिवार में 3 महिलाएं हैं तो 3 महिलाओं को भी ये मिलेगा, और ये वो लोग इसके पात्र होंगे जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है। जरा देखिए, बड़ा दिलचस्प है, 18 साल से ऊपर का वोटर है, क्योंकि 18 साल से पहले आप वोट नहीं दे सकते, और ये पेंशन भी 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए की गई है, यानी महिलाओं के लिए जेब खर्च की बात की गई है। कन्याओं के लिए आम आदमी पार्टी अलग योजनाएं लाती है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि किसी प्रकार की आपको पेंशन मिल रही हो, अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है, वो चाहे जिस विधवा, वृद्धा या किसी प्रकार के कोई पेंशन के लाभार्थी हो, तब भी ये 1,000 रुपया केजरीवाल साहब का जो जेब खर्च है ना आपके लिए, वो मिलेगा। तो उनका इसके पीछे महिला सशक्तिकरण का एक दर्शन है, केजरीवाल का जो दर्शन है इस पूरे प्रकरण के, इस पूरे मामले में, कि महिलाओं का सशक्तिकरण, ये ऐलान में, बल्कि इसको ऐलान कहिए कि केजरीवाल का जो ऐलान है पंजाब में, उसके पीछे दर्शन है कि महिलाओं को किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, वो आत्मनिर्भर बन जाएं। और एक और दर्शन वो देते हैं कि वो इतना आत्मनिर्भर बन जाएं कि ऐसा ना हो कि परिवार के पुरुषों ने कहा कि भाई अमुक व्यक्ति को वोट दे दो, तुम्हें देना मजबूरी हो,
ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है। जरा केजरीवाल साहब को सुनिए कि क्या अंदाज था उनका और कैसे उन्होंने पंजाब की आधी आबादी को ये एक तरीके से गिफ्ट देने का ऐलान किया, जेब खर्च, पॉकेट मनी। सुनिए, मैं ये ऐलान करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनेगी, पंजाब की हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे। सबके, अगर एक परिवार में एक बेटी है, एक बहू है, एक सास है, तो तीनों के अकाउंट में 1000-1000 रुपए आएंगे। बड़ी पते की बात कही कि भाई तीनों को 1000-1000 मिलेंगे, तो अगर तीन महिलाएं हैं तो 3000 रुपए पॉकेट मनी के रूप में आएंगे। ये जो तस्वीर केजरीवाल साहब की, जो केजरीवाल साहब बोल रहे हैं उसके पीछे जो तस्वीर है ना, वो भगवंत मान की है, सांसद है आम आदमी पार्टी के। तो अब ये हमारा कयास है कि यही आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। अभी पार्टी ने एक तरीके से आधिकारिक घोषणा मुझे नहीं लगता है कि की है, और हमारे प्रोड्यूसर बताएंगे कि भाई घोषणा हुई क्यों नहीं, लेकिन हमें जो चेहरा लग रहा है भगवंत मान का ही है, क्योंकि ये चेहरा पहचानो स्टाइल में दिख रहा है। तो एक प्रतियोगिता होती थी ना, चेहरा पहचानो, उसमें बहुत इनाम मिलता था, तो उस तरीके का मसला है, लेकिन चेहरा भगवंत मान का ही है, हम श्योर हैं। अगर इसकी कोई पुरस्कार होगा तो हम जीत जाएंगे, तय है। आधिकारिक पुष्टि नहीं हो रही, हमारे प्रोड्यूसर महोदय, पैनल प्रोड्यूसर महोदय और प्रोड्यूसर साहिबा बता रही हैं कि आधिकारिक पुष्टि नहीं है, तो अभी आप आधिकारिक ऐलान आप भी मत करिए। ठीक बात है, लेकिन हमारा जो कयास है, हमारा जो मानना है, जो हमारे पास जानकारी है, उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि भगवंत मान चेहरा होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी तस्वीर केजरीवाल साहब के कार्यक्रम में लगी हो तो अब बहुत कुछ कहने को बचता नहीं है। केजरीवाल साहब लगातार उत्तराखंड में इस तरीके की घोषणाएं कर रहे हैं। अभी उन्होंने यहाँ तीर्थ यात्रा का जो तीसरा दांव वहाँ चला है उत्तराखंड में, वो इस समय दूसरे दलों के लिए खलबली मचाने वाला है। वो कह रहे हैं उत्तराखंड में कि भाई हम सभी धर्मों वर्गों के लोगों को उनके जो धर्म स्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं, वहाँ की यात्रा मुफ्त कराएंगे, हिंदुओं को रामलला के दर्शन कराएंगे और सिखों को करतारपुर साहिब के दर्शन कराएंगे, जो मुसलमान हैं उनको दरगाह की यात्रा कराएंगे, हज पर भेज देंगे। इस तरीके की बातें उन्होंने की हैं। तो इस तरीके से उत्तराखंड और पंजाब, ये दोनों राजनीति, दोनों प्रदेशों को तेज जो केजरीवाल साहब ने अपनी जो राजनीति, उनका स्टाइल ऑफ केजरीवाल है, पॉलिटिक्स स्टाइल ऑफ केजरीवाल, तो केजरीवाल स्टाइल में उन्होंने गर्म किया है, दूसरे दलों को चिंता करने के लिए छोड़ दिया है। वो एक बात और कहते हैं कि महिला, भाई महिला तय करे वोट, ऐसा नहीं है कि पता चला सब पुरुष मिलकर तय कर दें कि भाई मेरी पत्नी को यहाँ वोट देना है, बहन को यहाँ वोट देना है, बेटी को यहाँ वोट देना, ये चलेगा नहीं। सुनिए जरा। महिलाएं अपनी वोट तो देंगी देंगी, देंगी कि नहीं देंगी, अपनी वोट तो देंगी देंगी, लेकिन हर महिला को जिम्मेदारी लेनी है कि घर के अंदर हर पुरुष को मनाना है, उनको मनाना है कि देखो पंजाब जिस भी पार्टी को, अपने पति को, अपने पिताजी को, अपने बेटे को, उसको बोलना, बच्चे अपने पति को बोलना है जी आपकी जो मर्जी पार्टी हो, हमें आपकी पार्टी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन इस बार एक मौका केजरीवाल को देके देखो। महिलाएं अपनी कह रहे हैं कि भाई एक मौका केजरीवाल को देकर देखो, महिलाओं को भी इस काम में लगा दिया और बता दिया कि भाई देखो महिलाओं को हम जेब खर्च दे रहे हैं, उन पर ही जिम्मेदारी है कि एक अच्छी सरकार वो बनवावें। केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी से बेहतर सरकार का हो ना, जिसने परफॉर्म किया दिल्ली में। बात तो ठीक कह रहे हैं, परफॉर्मेंस तो है, इसे नहीं नकारा जा सकता, लेकिन राजनीति है, अभी दूसरे दल भी अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं,
वो कह रहे हैं कि पंजाब में नकली सीएम बनकर घूम रहे हैं। कौन है नकली सीएम, ये भी जरा सुनिए। पिछले कुछ दिन से देख रहा हूं आजकल पंजाब में एक नकली केजरीवाल घूम रहा है। एक नकली केजरीवाल घूम रहा है। मैं जो भी पंजाब में आके वादा करके जाता हूं वो दो दिन बाद वही बोल देता है, करता नहीं है, करता नहीं है, नकली है। क्या बात है, कह रहे वो करता नहीं है, नकली है। इशारा जो पंजाब के मौजूदा सीएम है ना, चरणजीत सिंह चन्नी, उनकी तरफ है। चन्नी साहब ने पिछले दिनों फ्री बिजली और कुछ घोषणाएं की, और सिद्धू साहब भी धड़ा धड़ नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं। वो सरकार में है, उनको करके दिखाना है, केजरीवाल को करना है। ये फर्क कांग्रेस पार्टी, चन्नी और सिद्धू को समझना होगा। मोहल्ला क्लिनिक और फ्री बिजली के जो ऐलान पूर्व में किए हैं चन्नी और सिद्धू की टीम ने, उनको कटघरे में खड़ा किया केजरीवाल ने। मैं आया पंजाब में, मैंने कहा हम बिजली फ्री करेंगे, दो दिन बाद कहता है बिजली फ्री कर दी। यहां इतनी महिलाएं बैठी है, जिस जिस की बिजली का बिल जीरो आया है हाथ खड़े कर दो। कि हमारी सरकार बनेगी, हम 15,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। हमने दिल्ली में भी मोहल्ला क्लिनिक बनाए। उस नकली केजरीवाल ने कहा मैं भी मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बना एक भी मोहल्ला क्लिनिक? एक मोहल्ला क्लिनिक बनाने में 10 दिन लगते हैं। मैंने बनाए हैं, 20 लाख रुपए लगते हैं और 10 दिन लगते हैं एक मोहल्ला क्लिनिक बनाने में। अब तो 2 महीने हो गए, कम से कम 20 मोहल्ला क्लिनिक ही बना देते, एक ही बना देते, चलो दिखाने के लिए बना देते, भाई मैंने भी बना दिया। एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाया। बार बार वो कह रहे भाई नकली केजरीवाल घूम रहा है। सही बात है, नकल करोगे भाई, नकल तो नकल होती ना, बर उसकी बराबरी नहीं हो सकती असल से, नकल नकल होती है। केजरीवाल ने कहा कि भाई नकली केजरीवाल घूम रहा है, सावधान हो जाओ उससे। जो भी हो, खैर हम तो एक कयास लगा रहे हैं कि वो सीएम पर निशाना साध रहे हैं पंजाब के, हो सकता कोई और हो। अब उत्तराखंड की राजनीति पर आएंगे। उत्तराखंड के दौरे पर केजरीवाल कल थे और वहाँ हरिद्वार से तिरंगा यात्रा भी निकली। सीएम चेहरा अजय कोठियाल और तमाम बड़े बड़े नेता दिग्गज थे। वहाँ रोड शो के दौरान भी अरविंद केजरीवाल ने कई बड़े ऐलान किए जो उत्तराखंड की राजनीति को निश्चित तौर पर प्रभावित करेंगे। बाइट सुनाई जाए स्कूल बनाने वाली। अकेली आदमी पार्टी है जो कहती है कि हमें वोट दो, हम स्कूल बनवाएंगे। कोई दूसरी पार्टी आके कहती है स्कूल बनवाएंगे? कभी कांग्रेस ने आके कहा स्कूल बनवाएंगे? कभी बीजेपी ने आके कहा स्कूल बनवाएंगे? मैं आके कह रहा हूं मैंने दिल्ली में स्कूल बनवाए, हमको वोट दो, हम तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बनवाएंगे, हम तुम्हारे बच्चों को नौकरी देंगे। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। पिछले हफ्ते हमने मंथन में ये विषय को उठाया था कि भाई स्कूल कब बनवाओगे, और जनता को पूछना चाहिए, अगर जो लोग वोट मांगने जा रहे हैं तो जनता को उनसे सवाल करना चाहिए कि भाई स्कूल भी बनवाओगे, अगर स्कूल बनवाओगे तो हम तुम्हें वोट देंगे। ये बड़ा सवाल है बुनियादी मसलों पर, स्कूल, अस्पताल, नहरें, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इनकी बात करो। और हमने तो मंथन में स्पेशली इसको उठाया था कि भाई स्कूल कब बनवाओगे, या स्कूल की कोई गारंटी दे रहे हो चुनाव में? स्कूल कब एजेंडा बनेगा, कब मुद्दा बनेगा? केजरीवाल ने बना दिया स्कूल को मुद्दा, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे यूपी हो, चाहे पंजाब हो, केजरीवाल बनाए हुए हैं।
स्कूल को एजेंडा, वो कह रहे हैं भाई स्कूल के लिए वोट दो। आ रही बात लोगों के समझ में, निश्चित तौर पे ये बात आएगी और आनी भी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अब आपने देखा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल चीजों को मैनेज कर रहे हैं। पंजाब ये मत जानिए, उत्तर प्रदेश के लोग चैन से मत बैठे जो राजनीति करते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम नेता नहीं हैं, हम पत्रकार हैं, हमारे लिए सब बराबर है। लेकिन जो राजनीति करते हैं उनके लिए तो दिक्कत केजरीवाल पैदा कर रहे हैं, उत्तराखंड पंजाब में पैदा कर रहे हैं, गोवा में पैदा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी वो आगे आने वाले समय में पैदा करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य, इसको अभी इस राज्य में अभी धर्म संप्रदाय जाति इस तरह के मुद्दे बहुत हावी हैं, बिहार में भी हैं। अभी जब यहाँ जन सरोकारी राजनीति होगी, पहल केजरीवाल ने की और चीज़ें बनने लगी, डेवलप होने लगी। भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हम विकासवादी राजनीति कर रहे हैं और हमने विकास के बहुत सारे काम किए, और अखिलेश यादव तू डाल डाल मैं पात पात वाले स्टाइल में बीजेपी का पीछा कर रहे हैं, तो ये टोटल स्थिति दिख रही है कि। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो पांच राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, नंबर एक उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा पंजाब, चौथा गोवा और पांचवा मणिपुर, ये जो पांच राज्यों में 2022 में अगले वर्ष, अब अगले वर्ष तो कहने के लिए बचा है, एक ही महीना बचा, उसके बाद अगले वर्ष, ये महीना तो चल ही रहा, नवंबर खत्म है, दिसंबर ही दिसंबर है, फिर तो अगला वर्ष ही है। तो अगले वर्ष इन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव है, और अच्छी बात यह है कि आम आदमी पार्टी जो विकासवादी राजनीति है उसकी धुरी बन रही है, और बाकी दलों को भी जो जाति वर्ग संप्रदाय इनके पैमाने पर वोट हासिल करने की कोशिश करते थे, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, उनके लिए कुछ सबक जरूर मिलेगा ये चुनाव। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये जितने भी प्रदेश हैं, मणिपुर के बारे में तो मुझे बहुत ज्ञान नहीं कि क्या वहां चल रहा है, लेकिन कम से कम चार प्रदेशों के बारे में अच्छे से मैं जानता हूं कि यहां तो विकासवादी बात हो रही है, चाहे ऑटो टेम्पो वालों से बात करते हो केजरीवाल, चाहे उनके लिए कोई एक आयोग बनाने की एक कोई निगम बनाने की बात करते हो, ऑटो टेम्पो वालों के लिए कोई आयोग टाइप की बनाने की बात करते हो, चलो भाई एक आयोग बना देते हैं और उसके तहत आपकी समस्याएं वो आयोग हल करने की दिशा में काम करेगा। तो जो आम आदमी की राजनीति, जो बिजली पानी स्कूल रोजगार छोटे छोटे जो काम करने वाले लोग हैं, जो अपने जीवन को चलाते हैं, चाहे काम वाली बाई हों, चाहे ऑटो वाले हों, रिक्शे वाले हों, उनके लिए उनका जब भविष्य सुधरेगा, जब उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में जाएंगे, उन्हें जब मोहल्ला क्लिनिक और अच्छे अस्पतालों में इलाज मिल सकेगा, तब मुझे लगता है कि लोकतंत्र वाली जो फीलिंग है ना, माफ कीजिए, जो लोकतंत्र वाली बात है ना, ये लोकतंत्र है, तो लोग तो यही हैं, यही लोग हैं, जिनको स्कूल चाहिए, जिनको अस्पताल चाहिए, कहीं शराब बंटवाकर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कहीं संप्रदाय के नाम पर, कहीं भारत पाकिस्तान मुसलमान हिंदू के नाम पर, अभी तक राजनीति होती रही। जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो चोला जरूर विकास का ओढ़ लेते हैं, लेकिन जाति का वोट तो सब कुछ आइए भाई, और उसके प्रयास भी करते हैं। लेकिन इधर ये सुखद संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये सुखद संकेत है, और जो विकास परक राजनीति खाली शब्दों में नहीं, आचरण में केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई हमें वोट दो हम स्कूल देंगे, वो खुद ऐलान कर रहे हैं, तो दूसरे दलों को भी कहना पड़ेगा कि भाई हम भी स्कूल देंगे, हम भी अस्पताल देंगे। जिस नकली केजरीवाल की बात कर रहे हैं ना, ये विकास परक राजनीति का ही परचम है कि दूसरे लोगों को ये कहना पड़ रहा है कि भाई हम मोहल्ला क्लिनिक बनवाएंगे, हम बिजली फ्री देंगे, हम पानी फ्री देंगे, हम स्कूल बनवाएंगे, कहना पड़ रहा है उनको। अच्छी बात है, हम तो बहुत प्रसन्न हैं, अत्यंत प्रसन्न हैं कि इस तरीके की जो विकास परक राजनीति, विकास बड़ा घालमेल वाला शब्द है, हम बहुत यूज करना नहीं चाहते, उसको प्रयोग करना नहीं चाहते, हम सीधे सीधे बात करना चाहते भाई स्कूल दे दो, अस्पताल दे दो,
शिक्षा की व्यवस्था कर दो, पढ़ाओ लिखाओ, पढ़ाई लिखाई कमाई दवाई सिंचाई इनकी बातें कर लो, क्योंकि विकास एक ऐसी जलेबी है ना कि आदमी घूम जाता है, गोल 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 गोल, पता नहीं विकास की परिभाषा इतनी क्लिष्ट क्यों हो गई है। चलिए, तो चुनाव आ रहे हैं, सभी दल अपने अपने तरीके से चीजों को कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर केजरीवाल का जो ये ऐलान है महिलाओं को लेकर, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कहा है कि 40% जो सीटें हैं, जो टिकट हैं 40%, वो महिलाओं को देंगे, उसी तरह केजरीवाल ने, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ वोट की चोट मारी है केजरीवाल ने, और कहा है कि महिलाओं को हम 1,000 रुपया देंगे। जाहिर सी बात है भाई, जेब खर्च क्यों नहीं चाहिए, किसको नहीं चाहिए। और उन्होंने ये भी कह रहे हैं कि भाई आप कन्विंस करिए आम आदमी पार्टी के लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारा तो बस सभी दलों से यही अपेक्षा है और जनता की भी अपेक्षा है कि कम से कम बात स्कूल की करिए। अगर स्कूल अस्पताल आपने दे दिए तो आपने पीढ़ियां सुधार दी, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है कि शिक्षा की रोशनी में ये जो अंधियारा है, अशिक्षा का अंधियारा है, अगर शिक्षा की रोशनी होगी तो अशिक्षा का अंधियारा कटेगा, अपने आप विकास होगा, लोग तरक्की पाएंगे, पढ़ लिख कर अपने आप देश के प्रदेश के, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, गोवा हो, मणिपुर हो, कोई राज्य हो, अपने आप में लोग सक्षम बन जाएंगे, तब उन्हें किन्हीं सरकारों के बैसाखी या किसी के मुफ्त अनाज, मुफ्त चिकित्सा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा अपना विचार है और मेरी अपनी सोच भी है, और मैं इस पर